परिस्थितियां पैदा हुई हैं उसके लिए स्वयं जिम्मेवार है। झारखंड मुक्ति मोर्चा स्वयं जिम्मेवार है और उसके मुख्यमंत्री भी स्वयं जिम्मेवार है। उन्होंने लीज लिया, लीज लेने के लिए आवेदन दिया, वो भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता सांसद विधायक ने कोई लीज लेने का एप्लीकेशन नहीं दिया था। उनकी पत्नी के नाम पर आवंटन हुआ इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट की ओर से, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की ओर से उनकी पत्नी ने आवेदन दिया था। उनके साली ने जमीन आवंटित किया, वो भी भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं बल्कि उनकी पत्नी ने दिया। इसी प्रकार से उनके प्रेस सलाहकार ने जो जमीन लिया, लीज लिया, वो भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आवेदन नहीं दिया गया था बल्कि स्वयं। उसी प्रकार से उनके विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्र जी ने लीज लेने का काम किया, खान का पट्टा लेने का काम किया, वह भी कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एप्लीकेशन में सिग्नेचर नहीं किया। दुर्भाग्य इस बात की राज्य की सरकार स्वयं आज अपने आप को हाशिए पर खड़ा किया है, इसलिए आज की परिस्थितियों के लिए स्वयं दोषी है। और हम लोग कई अन्य विषयों पर भी हम सब लोगों ने चर्चा किया। जहाँ तक लीज का मामला है, हम लोगों का काम था एक विपक्ष, एक सकारात्मक विपक्ष, सकारात्मक विपक्ष के रूप में हमारी भूमिका है। जनता ने मुझे विपक्ष के रूप में जिम्मेवारी निर्वहन करने की जिम्मेवारी दी है। उसी दृष्टिकोण से हम सब लोगों ने अपनी बातों को जनता के हित के लिए, राज्य के हित के लिए, हम लोगों ने अपनी बातों को महामहिम राज्यपाल के पास रखने का काम किया। महामहिम राज्यपाल ने उन सारे चीज़ों को चुनाव आयोग के पास भेजने का काम किया। चुनाव आयोग पर अब निर्णय पर हमारा आने का इंतजार सब कोई कर रहा है। किसने कह दिया कि एक परिवार के लोगों का ही संसाधनों पर अधिकार है? देखिए, व्याख्या जो है ना, मैं बार बार इसी तरह कहता हूँ और फिर कहूँगा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी तीन मुहूर्त वैसी। भारतीय जनता पार्टी वालों को इसके अतर कुछ नज़र ही नहीं आता है। आप देख लीजिए कि पिछली सरकार के दौरान कई मामले ऐसे आए जिसमें राज्य के बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति के पूरे परिवार के लोगों के नाम सामने आते रहे, लेकिन उस पर तो कभी कुछ किया नहीं। अभी पहले उनको एक आंतरिक कमेटी बनानी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, उनके कहने का झारखंड पर असर होता है ऐसा उनको प्रतीत होता है। तो अपने पार्टी के अंदर एक कमेटी बना करके अपने ऊपर लगे हुए आरोपों पर एक बार जांच कर लें कि अपने ऊपर जो आरोप लगे थे उनके सरकार के कार्यकाल के दौरान, उस पर उनका क्या नज़रिया है, ये जनता को बताना चाहिए उनको। HM पब्लिक स्कूल लोअर चुटिया नियर शिव मंदिर रांची, हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। दुर्गा महारानी सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धरती दगन में गूंज रहा है जय माता दी, जय माता दी। पर्वत चमन में गूंज रहा है जय माता दी, जय माता दी। बच्चा बच्चा बोल रहा है जय माता दी, जय माता दी। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।